Residents and shopkeepers in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir recently staged a protest against the government's failure to regulate rent and utility charges, expressing their frustration over unchecked practices of landlords. यहाँ रियासत का किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है. किराया जो आदमी अगर 10,000 रुपया ले रहा है, वो ताजिर को ये कहेगा कि मैं अगले साल आपसे 20,000 लूंगा. रियासत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको रोके. कोई कानून किरायादारी एक्ट नहीं है कि जो जिसका तनासब हो कि बेसिक किराया कितना होगा, सालाना कितना बढ़ेगा, और इसका एडवांस जो अगर जो आदमी लेगा उसका दुकान और मकान खाली कराने का क्या तरीका कार का तयन होगा. ये चीजें सारी रियासत की जिम्मेदारी है. The protesters raised concerns that the benefits of cheaper electricity are not reaching them, flagging the issue of systematic corruption. अगर यहाँ पे बिजली सस्ती हुई है तो मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि बिजली सस्ती का फायदा लोगों को नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा कि आज भी बिजली के महकमे के लोग जाके लोगों के घरों के जो है ना वो जिनके नाम पे मीटर है उनके मोबाइल नंबर ले रहे हैं और वहाँ पे जो है ना वो शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापियाँ ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जब इन्होंने कनेक्शन लिया तो ये कितने किलो मेगावाट था इनका कनेक्शन. 1 किलो मेगावाट पे अगर लिया हुआ है तो आज इसकी बिजली 5 किलो मेगावाट जो है ना वो चल रही है. तो लिहाजा ये इसको हम नए सिरे से नोटिस देंगे और ये और पैसे जमा करवाएगा. आप मुझे ये बताएं कि इसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, जिनको गाड़ियां हैं, जो TADA लेते हैं, लेकिन अगर उनको आप कहेंगे कि ये आपके फराइज में है कि आप हमारा ये काम करें उनके महकमे के मुतलक, जब तक आपसे रिश्वत नहीं लेंगे, जब तक आपकी सिफारिश नहीं होगी या जब तक वो आपके साथ कुछ तय नहीं करेंगे, वो आपका जायज काम नहीं करेंगे. The protest reflects a growing discontent among the residents of POJK who are demanding accountability and reform from what they call stooge government in the occupied region controlled by Pakistan.